हे गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 15 पोकेमोन जो कि कहीं भी नहीं दिखाए गए हैं, ना ही किसी पोकेमोन मूवी में और ना ही हजार एपिसोड से भी ज्यादा चलते आ रहे पोकेमोन ओरिजिनल एनिमी में। यानी पोकेमोन कंपनी ने इन्हें बना तो दिए हैं, लेकिन बनाने के बाद इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और आज तक भी इनको नहीं दिखाया है। इस वीडियो में कोई भी जनरेशन 8 का पोकेमोन नहीं लिया है क्योंकि वो अभी चल ही रही है तो उसमें पोकेमोन दिखाने बाकी हैं, और कोई भी शाइनी पोकेमोन नहीं लिया है, उनको ले लिया तो पता नहीं कितने ही घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो ऐसे ही काम चलाते हैं और स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, मेगा एरोडेक्टाइल। एरोडेक्टाइल तो कई सारे एपिसोड्स में आ चुका है, लेकिन मेगा एरोडेक्टाइल आज तक किसी भी एपिसोड और किसी भी मूवी में नहीं आया है। बस एक बार हमें इसकी एक हल्की सी झलक देखने को मिली थी। तुम लोग मेगा एवोल्यूशन स्पेशल सीरीज को तो जानते ही होगे, जहां पे एलान के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया गया था। मेगा एवोल्यूशन स्पेशल सीरीज के 4 पार्ट थे, जिसमें से पहले पार्ट में बिल्कुल शुरू में नरेटर मेगा एवोल्यूशन के बारे में बताता है, तब हमें मेगा एरोडेक्टाइल का ये सीन देखने को मिला था, और इसके अलावा कहीं पे भी ये बोलता और लड़ता हुआ नहीं दिखाया गया। नंबर 14, पॉरीगॉन 2। ये पोकेमोन आज तक किसी भी एपिसोड में नहीं आया है। एक बार हमें इसका फोटो दिखाया गया था पोकेमोन मूवी में, वो भी 2 सेकंड के लिए, नहीं शायद उससे भी कम था। पोकेमोन मूवी 15 के बिल्कुल शुरू में हमें कैंटो से लेकर यूनोवा रीजन तक के सारे पोकेमोन दिखाए जाते हैं, वो भी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, और उसी 30 सेकंड के बीच में 1 से 2 सेकंड के लिए पॉरीगॉन 2 की फोटो छोटे से बड़े होते हुए दिखाई गई थी। और तुम इंडिया की हालत जानते हो, जब भी कोई पोकेमोन की मूवी इंडिया में आती है तो हंगामा वाले उस मूवी के सॉन्ग और उसके सीन को ऐसे हटाते हैं जैसे वो मूवी का हिस्सा ही नहीं है। और पॉरीगॉन 2 की फोटो मूवी के सॉन्ग से पहले आई थी, लेकिन पॉरीगॉन 2 को कहीं पर भी लड़ते हुए, चलते हुए और बोलते हुए नहीं दिखाया, तो वो इस लिस्ट में आपके सामने है। नंबर 13, मेगा लोपुनी। ये पोकेमोन लोपुनी का मेगा इवॉल्व फॉर्म है, और इस पोकेमोन को भी हमें एक भी एपिसोड और एक भी पोकेमोन मूवी में नहीं दिखाया गया है। बस एक बार हमें इसकी एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी मेगा एवोल्यूशन स्पेशल सीरीज के पार्ट 2 के एंड में। मेगा एरोडेक्टाइल जैसी मेगा लोपुनी की झलक देखने को मिली थी, और इसके अलावा हमें मेगा लोपुनी पोकेमोन ओमेगा रूबी एंड अल्फा सफायर के ट्रेलर में देखने को मिली थी, जो कि उन्होंने गेम के प्रमोशन के लिए बनाया था। इसीलिए ये ट्रेलर कोई भी एपिसोड और पोकेमोन मूवी से कनेक्शन नहीं रखता। नंबर 12, मेगा स्लोब्रो। ये पोकेमोन स्लोब्रो का मेगा इवॉल्व फॉर्म है। इस पोकेमोन को आज तक पोकेमोन की किसी भी मूवी और एपिसोड में नहीं दिखाया है, लेकिन मेगा लोपुनी की तरह इसको मेगा एवोल्यूशन स्पेशल सीरीज के पार्ट 2 के एंड में और ओमेगा रूबी एंड अल्फा सफायर के ट्रेलर में दिखाया था। तो ये दोनों सीन नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये ट्रेलर पोकेमोन के ओरिजिनल एनिमी और मूवी से कोई नाता नहीं रखता है, और मेगा एवोल्यूशन स्पेशल पार्ट 2 में तो चलता और बोलता हुआ नहीं दिखाया। और मुझे इस पोकेमोन को आने वाले वक्त में देखने का इंतजार रहेगा क्योंकि इसका डिजाइन काफी अच्छा बनाया है। नंबर 11, पॉरीगॉन जी। ये पोकेमोन भी आज तक किसी एपिसोड में नहीं आया है, लेकिन पॉरीगॉन 2 की तरह ये पोकेमोन भी पोकेमोन मूवी 15 के शुरुआत में वही 30 सेकंड्स के बीच में ये छोटे से बड़ा होते हुए दिखाया था, कुछ 2 से भी कम सेकंड के लिए, इसके अलावा और कहीं भी नहीं दिखाया। लेकिन अगर तुम मुझसे इस 2 सेकंड के सीन को देख के ये कहते हो कि मेरे हिसाब से ये पोकेमोन इस दुनिया में दिखाया गया है, तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि मैजिकार्प ने ही दुनिया के सारे पोकेमोन को बनाया है। नंबर 10, मेगा गेंगार। इस पोकेमोन को दिखाया जा चुका है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये हमें दिखाया था पोकेमोन मूवी 19 में, लेकिन जो हमें मेगा गेंगार दिखाया गया था वो इसका शाइनी फॉर्म था, और शाइनी फॉर्म को हम नहीं मिला रहे तो ओरिजिनल फॉर्म वाला मेगा गेंगार आज तक कहीं नहीं दिखाया गया है। लेकिन बाकी मेगा पोकेमोन की तरह इसकी झलक भी मेगा एवोल्यूशन स्पेशल पार्ट 1 के शुरू में दिखाई थी। नंबर 9, मेगा मेडिचैम। ये पोकेमोन मेडिचैम का मेगा इवॉल्व फॉर्म है। इस पोकेमोन को भी आज तक कहीं नहीं दिखाया है, लेकिन इसकी भी एक हल्की सी झलक दिखाई गई थी मेगा एवोल्यूशन स्पेशल पार्ट 1 के ओपनिंग सीन में और पोकेमोन मूवी 19 के ओपनिंग सीन में। इन दोनों के अलावा पोकेमोन के एक जैपनीज एपिसोड के लास्ट में, जब पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है और उसका एंडिंग सॉन्ग भी, तब बहुत ही कम सेकंड के लिए हमें मेगा मेडिचैम दिखाई जाता है।
जाती है प्रमोशन के लिए, तो मैं इसे नहीं मानने वाला क्योंकि ये किसी भी एपिसोड के बीच में नहीं आई है और यहाँ पे भी एपिसोड खत्म होने के बाद आई है, वो भी प्रमोशन के लिए। नंबर 8, मेगा गलेड। ये पोकेमोन गलेड का मेगा इवॉल्व फॉर्म है और मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद आया, लेकिन इसे भी आज तक कहीं नहीं दिखाया। यार ये पोकेमोन कंपनी जिससे इनको रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था उससे तो ये तोड़ देते हैं, और जिससे रिश्ता तोड़ना चाहिए था उसको तो इन्होंने लेकिन ये 3 बार अलग जगह पे देखा गया है। इसकी एक झलक दिखाई थी हमें पोकेमोन मेगा एवोल्यूशन स्पेशल पार्ट 2 के एंड में, और एक और झलक दिखी थी हमें पोकेमोन ओमेगा रूबी एंड अल्फा सफायर के ट्रेलर में। इसके साथ ही मेगा मेडिचैम की तरह ये भी हमें पोकेमोन के एक जैपनीज एपिसोड के लास्ट में प्रमोशन के लिए दिखाया था, वो भी मेगा चार्लिजार्ड से लड़ते हुए, काफी अच्छा था वो। लेकिन ये चीज इस बात को नहीं छुपा सकती कि ये पोकेमोन ओरिजिनल एनिमी और पोकेमोन की किसी भी मूवी में नहीं आया है। नंबर 7, प्राइमल डियाल्गा। जैसे ग्राउडॉन का एक प्राइमल फॉर्म है वैसे ही डियाल्गा का भी एक प्राइमल फॉर्म है। ये आज तक हमें किसी मूवी में नहीं दिखाया गया, और एपिसोड की बात करूं तो ये हमें दिखाया गया था जिनमें हमारा ऐश अपने दोस्तों के साथ सफर करता है। इन वाले एपिसोड से अलग प्राइमल डियाल्गा पोकेमोन मिस्ट्री डंजन के एक एपिसोड में दिखाया गया था, एक हल्की सी झलक ही दिखाई गई थी। नंबर 6, मेगा म्यूटू एक्स। म्यूटू के पास 2 मेगा इवॉल्व फॉर्म हैं, मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई। लेकिन ये पोकेमोन वैसे तो कहीं नहीं दिखाया है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक झलक की बात करूं तो ये हमें दिखाया था मेगा एवोल्यूशन स्पेशल पार्ट 1 के शुरू में और पोकेमोन मूवी 17 के बिल्कुल लास्ट में, जब जिन्होंने उस मूवी को बनाया था उनके नाम लिखे आते हैं तब उसकी एक झलक और दिखाई थी। इन दोनों के अलावा मेगा म्यूटू एक्स और कहीं नहीं आया है। अब जहां तक मुझे लगता है ये पोकेमोन कंपनी ने आने वाले वक्त के लिए बचा रखा है, क्योंकि पोकेमोन कंपनी जानती है कि म्यूटू उनके लिए कितनी बड़ी चीज है। उसने वो चीजें कर रखी हैं जो कि और कोई पोकेमोन करने की सोच भी नहीं सकता। नंबर 5, मेगा अल्टारिया। ये पोकेमोन अल्टारिया का मेगा इवॉल्व फॉर्म है और बाकी पिछले पोकेमोन की तरह ये हमें किसी भी पोकेमोन मूवी में नहीं दिखाई गई और ना ही ओरिजिनल एनिमी में, लेकिन इसकी भी एक झलक हमें दिखाई थी मेगा एवोल्यूशन स्पेशल पार्ट 2 के एंड में और पोकेमोन ओमेगा रूबी एंड अल्फा सफायर के ट्रेलर में। इससे ज्यादा ये हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिली। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो पिछले सारे पोकेमोन बताए थे उनकी शक्ल कहीं ना कहीं दिखाई गई थी, लेकिन जो नंबर 4 से लेकर नंबर 1 तक के पोकेमोन हैं, उनका नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। यानी तुम इन 4 पोकेमोन को देख के कह सकते हो कि पोकेमोन कंपनी ने इन पोकेमोन को बना के एक कोने में छोड़ दिया है। नंबर 4, एटर्नल फ्लोएट। ये पोकेमोन हमें पोकेमोन जनरेशंस के लास्ट एपिसोड में दिखाई गई थी, और पोकेमोन जनरेशंस पोकेमोन की मेन सीरीज का हिस्सा नहीं है, तो इसको ना मिलाए तो ये पोकेमोन आज तक कहीं पर भी नहीं दिखाई गई है, ना ही किसी एपिसोड में और ना ही किसी मूवी में। नंबर 3, फ्लोरगैस। ये पोकेमोन फ्लोएट का विकसित रूप है, यानी फ्लोएट बड़ा होके ये पोकेमोन बनता है। देखो जो फ्लोरगैस है वो 5 प्रकार की पाई जाती हैं, येलो फ्लावर में, व्हाइट फ्लावर में, ऑरेंज फ्लावर में, ब्लू फ्लावर में और रेड फ्लावर में। जो शुरू के 4 कलर के फ्लावर हैं वो कहीं ना कहीं किसी एपिसोड या मूवी में दिखाए गए हैं, लेकिन रेड फ्लावर वाली फ्लोरगैस कहीं भी नहीं दिखाई गई, ना ही किसी एपिसोड और ना ही किसी मूवी में। लेकिन पोकेमोन म्यूजिक स्क्वाड जो कि एक पोकेमोन शॉर्ट है उसमें एक बार ये दिखाई गई थी, लेकिन ये शॉर्ट पोकेमोन की मेन सीरीज से कोई नाता नहीं रखती, तो इसको हटा के चले तो फ्लोरगैस रेड फ्लावर का नामो निशान और कहीं नहीं है। नंबर 2, आर्कियस। ये पोकेमोन आज तक कहीं नहीं दिखाया। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें मजाक लग रहा है? अरे तो सुनो मेरी बात, इस पोकेमोन को आर्सियस नहीं आर्कियस प्रोनाउंस करते हैं। आर्कियस के पास टोटल 17 प्लेट्स हैं और वो इन प्लेट्स की मदद से अपना टाइप चेंज कर सकता है, यानी वो नॉर्मल से किसी भी टाइप में बदल सकता है। लेकिन जब भी वो किसी टाइप में चेंज होता है तो उसकी बॉडी का कलर भी चेंज होता है। यानी अगर आर्कियस वाटर टाइप में चेंज होता है तो उसकी व्हील का कलर, उसके पैरों का कलर और उसकी आंखों के आसपास का कलर भी चेंज हो जाएगा, और वाटर टाइप में चेंज होने के बाद आर्कियस कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे ही वो अपने 17
17 प्लेट की मदद से 17 टाइप में और 17 कलर में चेंज हो सकता है। पोकेमोन मूवी 12 के अंदर आर्कियस घोस्ट टाइप में चेंज होता है और फायर टाइप में चेंज होता है, यानी ओरिजिनल फॉर्म और फायर टाइप और घोस्ट टाइप को छोड़ के आर्कियस के बाकी 15 टाइप और उनके फॉर्म आज तक कहीं नहीं दिखाए हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे कहते हो कि इसका तो सिर्फ कलर ही चेंज हुआ है, पोकेमोन तो वही है ना, तो शायद तुम्हें ज्यादा फर्क ना दिखे, लेकिन मुझे इन दोनों पोकेमोन में कलर चेंज होने की वजह से काफी ज्यादा अंतर नजर आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। अगर तुम्हें भी ये दोनों पोकेमोन काफी अलग लग रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1 को बताने से पहले मैं बता देता हूँ, 75% लोग ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर तुम भी इन 75% में शामिल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, इससे दिल खुश हो जाता है, तो कर देना प्लीज। नंबर 1, डियरलिंग। इस पोकेमोन के पास 4 फॉर्म हैं। एक इसका यही ओरिजिनल फॉर्म, दूसरा समर फॉर्म, तीसरा ऑटम फॉर्म और आखिरी विंटर फॉर्म। शुरू के 3 फॉर्म तो किसी न किसी एपिसोड या किसी मूवी में दिखाए गए हैं, लेकिन डियरलिंग का विंटर फॉर्म आज तक कहीं पर भी नहीं दिखाया है, कहीं पर भी से मेरा मतलब ना ही किसी एपिसोड में, ना ही किसी मूवी में, ना ही किसी स्पेशल एपिसोड में और ना ही किसी ट्रेलर में, इसीलिए ये पोकेमोन नंबर 1 पे है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, आपकी एक लाइक देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट में बताना इन 15 में से तुम कौन से पोकेमोन आने वाले एपिसोड में देखना चाहते हो, और मैं जिन 3 पोकेमोन को आने वाले एपिसोड में देखना चाहता हूँ वो है मेगा स्लोब्रो, मेगा गलेड और मेगा म्यूटू एक्स। तुम लोग मुझे अपने बताना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।